क्लास 8 होली चाइल्ड स्कूल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक डिस्कस किया हुआ था। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 टुडे। क्वेश्चन 6 सिंप्लीफाई। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन हम लिख लेंगे 3 पावर -1 इंटू 3 स्क्वायर, -2 है आपका साइन, आपको ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय 3 to power -3। तो देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पावर ऐड होते हैं, है ना, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होते हैं, ये प्रॉपर्टी है आपका। तो 3 क्या क्या ऐड होगा, -1 प्लस इसका पावर क्या है, -2, ठीक है, साइन का आपको ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय 3 to power -3। अच्छा, इनको दूसरे तरीके से कर सकते हैं लेकिन ये सरल है। तो ये -1 बीच में 2 साइन है, प्लस माइनस ये 1 हो जाएगा आपका, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी ये जैसे का तैसा इसको हम लिख देंगे, ठीक है। अब -1 -2 यानी -3, -3 प्लस -3, क्लियर। डिवाइड में क्या होता है पावर, डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो 3 to power -3 -, और इसका तो -2 है, ये माइनस आपको लगाना, और इसका तो -2 है बोल के इसको ब्रैकेट में रखना है आपको। इसके बाद क्या करेंगे, 2 साइन है बगल में, ये 2 साइन इसको एक कर लेंगे हम, -3 -+ हो जाएगा +2, सो -+ यानी हमारा आएगा 3 to power -1। अगर इसको पॉजिटिव में लिखना आपको तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी 1/3, -1 यानी 1, ठीक है ना, माइनस वन हटाने के लिए इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 3 to power 1 हो जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं है, 1/3 और 1 और 3 का पावर 1 दोनों ही सेम है। इसी तरीके से देखो सेकेंड वाला, ये 4 square - 3 square, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 4 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 - 9 7, तो यहाँ 7 आएगा, 7/2 इसका पावर क्या माइनस में है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लोगे 2/7, तो ये पावर प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे ये 2/7 हो जाएगा ये आपका पावर आपका प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आया था 4 square 16 - 9 7, तो हमारा क्या बन रहा है 7 into 2/7 square, 2/7 square यानी 2 का square 2 2 4 और 7 का square 49, ये आया हमारा अगला स्टेप, 7 1 जा 7 7 जा, यानी ऊपर क्या बचा 4 और 1 4 1 जा 4 और नीचे 7, 4/7 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान से करना, जैसा बोला है मैंने वीडियो में उसी तरीके से करना आप लोग, ठीक होगा, बाकी जैसा समझा वही प्रोसेस है इसमें। जैसे इसमें लास्ट वाला होता है 4 वाले में पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना, इनटू डिवाइड है, डिवाइड में क्या होगा, अच्छा बेस दोनों का अलग, इसमें हाँ लास्ट वाला बताया था मैं, 4 वाला थोड़ा अलग है, 4 वाला देखो एक प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगा, अगर आपके बेस दोनों अलग हैं और पावर सेम है, ठीक है ना, तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, और डिवाइड में इसको ऐसे कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, 6 to power -1 है ना, उसको हम पॉजिटिव करने के लिए 1/6 कर लेते हैं रेसिप्रोकल, डिवाइड बाय 7 का भी -1 है तो उसको भी 1/7 कर लेंगे, तो हमारा पॉजिटिव में आ गया, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। अब डिवाइड की जगह क्या इनटू हो जाएगा और रेसिप्रोकल होगा, है ना, ये हो जाएगा बस, तो ये तो कुछ कटेगा नहीं, तो 7/6 square, 7/6 square यानी 7 का square 49, 6 का square 36, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7, ए आपका -b है, b आपका 3 है,
इवेल्युएट द फॉलोइंग, सॉल्व करना है। तो जहाँ जहाँ ए बी है उसके जगह वैल्यू पुट कर देंगे। मैं खाली एक बताऊंगा आपका, पहला वाला नहीं, चलो बीच वाला, सेकंड वाला बताता हूँ मैं, सेकंड पार्ट सेवन का। 27 ए क्यूब ए स्क्वायर अभी माइनस पावर 3 है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 27। ए क्या भाई, ए माइनस 2 है, यानी माइनस 2 का स्क्वायर, और बी क्या आपका 3 है, तो 3 माइनस क्यूब, तो जो माइनस है उसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे हम। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अच्छा माइनस का पावर अगर इवन होता है तो प्लस में रहेगा, यानी प्लस 4 आएगा, ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल 1/3 क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है भाई, 3 का क्यूब यानी 3 3 से 9, 9 3 से 27, तो ये आ गया 1/27। 27 1 ज़ा 27 कट गया, खाली ऊपर 4 बचा, 4 1 ज़ा 4, ये हमारा आंसर है। क्लियर? अच्छा इस एक्सरसाइज में आपको 6 और 7 के सारे ही पार्ट आपको करके भेजने हैं। 6 के 4 हैं, इसके 3 है, 7 इसको करके भेजना है। थोड़ा सा अगला एक्सरसाइज हम लोग आज देखेंगे, और ध्यान रखना जब 7 वाला करो तो ए का बी के वैल्यू भी लिखना आप, बहुत सफाई से करना, आप साफ सुथरा करना, अगर कुछ कटते पीटते हो आप उसको काट के बढ़िया से नीचे साफ से लिखना आप। देखो कुछ नियम्स की मैं बात कर रहा था, लॉज की, अगर बेस सेम हो या नीचे वाला नंबर सेम हो, पावर अलग हो मल्टीप्लाई में, तो पावर ऐड होते हैं, आज ही समझा आपको एक उसमें यूज करके। अगर डिवाइड में बेस सेम हो पावर अलग हो तो माइनस होता है, ये एक का पावर फिर ब्रैकेट के बाद अगर पावर हो तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है, ए और बी नंबर मल्टीप्लाई में है, उनका एक ही पावर है, सेम पावर है, तो दोनों का हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। और अगर दो अलग अलग नंबर डिवाइड में है, उनका पावर एक ही है सेम, तो उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन करते करते करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेट अस सी एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे हम लोग। तो 2.2 का 1 ही पहले देखता हूँ, 1 का 1। तो जैसे कि हमने पढ़ा, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो क्या होता है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आप लोग क्वेश्चन लिख के करना। तो डिवाइड में आपके पावर माइनस होते हैं, तो यानी ये सेकंड फर्स्ट स्टेप है आंसर का, -4 -5, क्योंकि माइनस तो रूल के हिसाब से लगेगा, और ये -5 क्या, ये तो -5 पावर है बोल के। तो इसके बाद क्या होगा, अभी आपको समझाया, -4 ये 2 साइन 1 हो जाएगा, ये -, प्लस हो जाएगा ये, अब -, सो 5 -4 1, पावर आपका बड़े का आएगा, यानी 3 टू पावर 1 यानी 3 आपका आंसर है। क्वेश्चन 2 का चलो, अच्छा इसमें क्वेश्चन 2 का 3 बताता, इसमें क्वेश्चन 2 का आपको 3 बताता हूँ मैं, थर्ड वाले, इसमें भी नियम यूज होंगे आपके, लॉज यूज होंगे। क्वेश्चन 2 का थर्ड वाला, इसमें एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, अगर किसी का पावर 0 हो, किसी का भी पावर 0 हो, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 -1 है, तो उसको हम पॉजिटिव में कर लेंगे 1/5, ठीक है ना, +1, ये 7 2 0 हो गया 1, इंटू 5 क्यूब यानी 5 × 5 × 5 आपका 125। अच्छा यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 1 + 5/5, ठीक है ना, ये इधर आ गया, × 125 तो लिखेंगे हम, तो ये 6/5 × 125 कटेगा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, ऊपर क्या बचा 6 और 25 बचा, 6 × 25 6 5 30 150 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर है। तो इसमें भी एक होमवर्क देंगे, ज़्यादा है नहीं है, तो इसमें भी आप क्वेश्चन 1
और टू के सारे पार्ट करना, सब करना, आंसर आप चेक कर सकते हो, स्टेप ठीक से करना, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, ठीक है करना। और ध्यान रखना, मैथ्स का जब काम भेजोगे सेल्फ चेक करके भेजना, कारण एक ही है बेटा, काफ़ी सारे सवाल आपको दिए हैं, मेरा मैं मेन देखूंगा आपका दैट यू आर डूइंग विथ राइट प्रोसेस और नॉट राइट प्रोसेस, आंसर भी देखूंगा, लेकिन आपका राइट रॉन्ग से मुझको एक पता चला कि हाँ ठीक है तो प्रोसेस देखने से मेरा काम चल जाएगा, अगर गलत है तो प्रोसेस में कहाँ गलती किया आपने वो मैं आपको बता सकूंगा जल्दी, ठीक है ना। इसलिए सेल्फ चेक करके राइट रॉन्ग मतलब टिक करना आप, चाहे पेन से करो चाहे पेंसिल से करो, अगर एक चांस आप जरूर लेना कि आप समझ लो एक बार गलत आया आपका तो एक बार और उसको करने की कोशिश करना, फिर भी गलत आए तो उसको फोटो भेज देना, मैं देख लूंगा।